हैप्पी होली। ये व्लॉग एटलीस्ट 4 to 5 days लेट हो गया है, पर हम लोग एक गौरव का फ्रेंड है, हमारे ऊपर ही रहते हैं, उनके साथ गए थे, और तफगुन का ये ड्रेस था उस दिन के लिए, होली पार्टी के लिए। वो एक हम जहाँ पार्टी में गए थे, दैट इज़ अ फार्म हाउस बेसिकली, थोड़ा सा लाइक 30-35 minutes दूर था। आपने अगर मेरा बनरघट्टा ज़ू वाला व्लॉग देखा होगा तो ये बनरघट्टा ज़ू के बाद पड़ता है, मतलब उसके पीछे से एक रोड है। सो यहाँ पर बहुत सारे वार्निंग साइंस भी थे, यू नो, लेपर्ड जोन, टाइगर जोन, एलिफेंट जोन, सो ड्राइव स्लोली। सो बट दिन में क्योंकि गर्मी थी, धूप थी, तो कोई एनिमल्स नहीं आते हैं। बट या दैट इज़ द सेम प्लेस जो बनरघट्टा ज़ू के बिल्कुल पीछे है। सो इट्स पूरा जंगल पीछे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ फॉरेस्ट है, एंड लोग वहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम है। सो यहाँ पे यू कैन सी साइन बोर्ड था एलिफेंट का, उसके आगे एक साइन बोर्ड था टाइगर का, उसके आगे लेपर्ड का था। तो काफ़ी देखने में तो लग ही रहा था कि हाँ अगर आ गया तो, बट इन समर्स यूजुअली दे डोंट कम। सॉरी, पीछे से तफगुन ने मेरे पर अटैक कर दिया था। सो आई वॉज सेइंग ये बनरघट्टा ज़ू के पीछे का एरिया है, ये आप देखोगे ना पूरे माउंटेन्स भी है। तो जब हम सफारी पे गए थे बनरघट्टा ज़ू में, ये सारे माउंटेन्स दिख रहे थे, और यहाँ पे थोड़ी सी ना वायरिंग भी हो रखी है लेफ्ट में आप देखोगे, तो सारा उसी का पार्ट है, ज़ू का ही पार्ट है। एंड हमें लगा अप्रॉक्सीमेटली 40-45 minutes वहाँ पहुँचने में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि बैंगलोर में दिस इज़ द टाइम जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो हम पहुंच गए थे 45-45 minutes में, एंड मैं ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मुझे पूरा रंग में कलर में कर दिया था, पानी पूरा गीला, फ़ोन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कार में रख दिया था। सेम फॉर गौरव, ये श्रेय और तवगुन अपना खेल रहे हैं, तवगुन के पूरे कपड़ों की बैंड बच चुकी है, और उसका कलर एक्चुअली उसको ना पक्का कलर गलती से लग गया था, और ये हम हैं, हमारा पूरा कलर सबका एक्चुअली सबके कलर लगा ही हुआ था, पर हमारा कलर अभी तक भी नहीं निकला है। अभी भी जब मैं शैम्पू करती हूँ सब बालों में से कलर आता है। ये दोनों अपना मस्त थे, दोनों खेल रहे थे, शूज में पानी भर भर के एक दूसरे पे फेंक रहे थे, ऐसे चल रहा था इनका। तो इनकी भी तफगुन ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट, उसकी भी होली हो गई। उस फार्म हाउस में काउ थे, काउ के बच्चे थे, गोट थे, वो सबसे तफगुन मिल के आई, आम के पेड़, केले के पेड़, इमली का पेड़। सो तफगुन के मैंने कपड़े थोड़े चेंज कर दिए थे, बट ऑफ नो यूज़, जस्ट इन वेन। पूरा यहाँ पे गाय थी, वो सबसे मिल के आई, छोटे काउ बेबी से भी मिल के आई, इधर गोट्स हैं इस केज में। सो ऐसे प्रॉपर था। फिर हम लोगों ने टाइम से ही वापस आ गए थे लंच करके, अराउंड 4 PM वी वर होम। जस्ट लुक एट तवगुन एंड लुक एट माई फेस। तो कान्हा जी को भी हम पिचकारी और बाल्टी, ये मम्मी के घर पे है, मैं तो नहीं कर पाई इतना, तो वो लेके आए थे, और ये मेरे मम्मी पापा ने भी होली खेली बढ़िया। एंड हैप्पी होली गाइस वंस अगेन। आज के लिए इतना ही, आई होप यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।